सलामकम uh, कुछ uh, एक दो बातें बताना चाहता था uh, कल मैंने एक पोस्ट की थी जिसके हवाले से शिपिंग uh, प्लान्स के हवाले से मैंने uh, कुछ देर बाद यानी आई थिंक रात को मैं देख रहा था काफी सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए जिसमें हमने ये देखा कि वो गोरो को सर्विस बेचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और फाइवर uh, मैंने जाके देखा तो फाइवर पूरा भरा पड़ा हुआ है ऊपर सारे गिग्स जो हैं वो आ रहे हैं जी शिपिंग आ, अपनी लिफ्ट करवाएं और कोई कह रहा है मैं पचास डॉलर्स में करके दूंगा कोई कह रहा है मैं तीन सौ में करके दूंगा रेंज में लोग करके देने की कोशिश कर रहे हैं मेरा सवाल ये था मैं ये सोच रहा था मेरा जहन ये कहता था कि ये क्या ये बिजनेस है वाह क्या बिजनेस है अगर ऐसा है तो क्या हम ये शॉर्टकट से पैसा बनाएंगे अब आई I मीन mean, हम ऐसे ही कर रहे हैं ना इतने अरसें से यही हो रहा है हर किसी को पाकिस्तान में होता क्या पाकिस्तान का मसला ये है सबसे बड़ा हमारे मुल्क का कि जमादार से लेके कोई सियासी बड़े अहदेदारों तक हर कोई करप्ट है यहां पे मैंने भी करप्शन की होगी छोटी मोटी कहीं ना कहीं जहां मुझे मौका मिला होगा अपनी जिंदगी मैं नहीं कह रहा मैं साहूकार हूं मैं तो बात कर रहा हूं इस वक्त क्योंकि अब हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं अब हम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हम इम्प्रूव करें ना चीज़ों को लेकिन प्रॉब्लम यह कि बेहतरी के नाम पर भी हम वही कर रहे हैं तो शॉर्टकट से पैसा बना लो जी लार्ज इन्वेंट्री अमेजन रिफ्यूज भी कर सकता है अमेजोन कुछ भी कर सकता है अमेजॉन किसी के बाप का नहीं है प्रॉब्लम यह है ठीक है ना मेरे बाप का नहीं है किसी और के बाप का नहीं है अमेजॉन रिफ्यूज कर देगा आपने अगर बीस हजार डॉलर की इन्वेंट्री वहां खड़ी करवा दी और अमेजॉन ने कंटेनर रिफ्यूज कर दिया कुछ भी कर दिया आप क्या करोगे स्ट्रैंडेड कर दिया उसको आप क्या कर लोगे आप क्यों अपना या किसी और का पैसा रिस्क पे लगाने चा, लगाना चाहते हो जस्ट बिकॉज के आप कहते हो कि मैं 200 सौ डॉलर की सर्विस बेच के अपना कमा लू और किसी गोरे को या किसी को भी एक्स वाई जेड किसी को भी जो है वो मैं ये सर्विस दे दू और उसका बेशक स्टॉक जो है वो फंसा रहे कुछ भी होता रहे मुझे मेरे दो सौ डॉलर बच जाएंगे पचास डॉलर बन जाएंगे मैं खुश हूं तो फिर वो लूप तो वहीं चला गया ना जी पुराना माइंड क्या हो गया किचन माइंडसेट या किचन से भी गया गुजरा हो गया अब तो ये क्योंकि किचन चलाने के लिए भी हमें तो तरीके का रोजगार चाहिए एथिकल रोजगार चाहिए ना हमें अब फिर वही आएगी बात कीजिए हलाल हराम की बात करें बात हलाल हराम की नहीं हो रही बात हो रही है एथिकल और मॉरल वैल्यूज की आप वो कमाओ जो कि एक एथिकल बिजनेस के थ्रू कमाया जाता है होलसेल की बात मैं शुरू से करता हूं अभी भी करता हूं क्यों करता हूं एक बिजनेस है आप बिजनेस करो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करो तो बिजनेस करो ताकि ये लॉन्ग टर्म चले आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो अभी शॉर्टकट्स वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है शॉर्टकट्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता 100 200 डॉलर 300 डॉलर अभी कमा लोगे खुश हो जाओगे तो कितने दिन चलेगा वो प्रॉब्लम यह है कि फिर उसके बाद क्या होगा अमेजॉन ये लिफ्ट खत्म कर देगा फिर लोग बनाना शुरू कर आप क्या करोगे जो लोग इस पे जीना शुरू कर देंगे वो क्या करेंगे फिर फिर वो कोई और शॉर्टकट ढूंढेंगे दैट्स अ प्रॉब्लम क्योंकि ये माइंड सेट है क्योंकि उनका माइंडसेट है कि जी मुझे शॉर्टकट से ही पैसा बनाना है तो वो शॉर्टकट से ही पैसा बनाने की कोशिश करेंगे वो कभी भी बिजनेस में नहीं जाते प्रॉब्लम ये है यहां मसला ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक हर कोई करप्ट है अब फिर चाहे कोई भी शुबा हो चाहे कोई कारपोरेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टूडेंट और मेंटोर्स हो प्रोफेसर हो कोई भी हो सबका ऐसा ही हाल है ठीक है तो मसला ये है कि आपको ये समझना है कि आपकी एथिकल वैल्यूज क्या कहती हैं अब जिसकी एथिकल वैल्यूज नहीं है उसको वो चीज अच्छी लगती है उसको शॉर्टकट्स अच्छे लगते हैं जिसकी एथिकल वैल्यूज हैं जो समझता है कि जी मेरा जमीर गवारा नहीं करता ये चीजें तो वो कहता है नहीं जी मैं क्यों रिस्क हो सकता है अमेजोन एक्सेप्ट कर ले इन्वेंट्री कुछ लोगों की ऐसा नहीं है मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा कि अमेजन नहीं करेगा मैं तो ये कह रहा हूं जी रिस्क है बहुत बड़ा तो क्यों करें ये रिस्क क्यों लें ये वाला सवाल ये है जब हमारे पास और ऑप्शन है पैसा कमाने के तो हम वो क्यों ना करें होलसेल करें सीखें प्रोडक्ट हंटिंग करें किसी के साथ पार्टनरशिप करें होलसेल की इन्वेंट्री वैसे ही 200 सौ दो सौ या उसके आसपास की होती है हाँ कुछ लोग बड़ी इन्वेंट्रीज भेजते हैं होलसेल में भी मैंने भी भेजी है द थिंग इज के वो एक लेजिटिमेट बिजनेस है ना आप शॉर्टकट्स करने की कोशिश कर रहे हो पूरा फाइवर भरा पड़ा हुआ है क्या अमेजोन को तो नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या अमेजोन के बड़े लोग वीपीज या जो भी बड़े अहदेदार हैं वो जाके ये सब चीजें नहीं चेक कर रहे क्या गोरों के ग्रुप में सब स्पैमिंग कर रहे हैं बैठ के इस वक्त मैं बना दूंगा मैं बना दूंगा मैं बना दूंगा आधे गोरों को हम लोगों ने पागल कर रखा है फिर हम ये भी सोच रहे जी ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया हमने तो गोरों का दिमाग खराब कर दिया यार आप गोरों का दिमाग खराब नहीं कर रहे आप अपनी और आप मुझे बताएं फिलीपींस और इंडिया वाले हम कहते हैं जी हमारा नाम जो है वो ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान नाम आना चाहिए किस चीज के लिए नाम आ रहा है स्पैमिंग के लिए और वो कह रहे हैं स्कैमर्स हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूं मैं टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप्स के अंदर मौजूद हूं जहां पे गोरो, गोरे लोग पाकिस्तानियों इतने भंड किए इनके साथ इतने स्कैम किए मैं और वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो किसी पाकिस्तानी को पकड़ के रोना रो रहे होते हैं कि जी ये स्कैम कर गया मेरे साथ तो एथिकल वैल्यू सीखनी चाहिए ना मैं आपको उठा के ये कह दू मुझे जब पता है कि आप देखें बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है वाइन ग्लास आप बेच रहे हो अमेजोन पे मैंने अपने स्टूडेंट से कहा वाइन ग्लास मत बेचो उन्होंने कहा सर इसमें पानी भी तो पी सकते हैं जी आपको तो पता है इसमें क्या पिया जाएगा बात ये हो रही है ये ये है। ये है है मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने मना किया था मैंने कहा आप वाइन ग्लास वाइन ग्लास का मकसद क्या है जो मेन पर्पस क्या है मेन पर्पस ये है कि उसमें वाइन पी जाएगी अब आप कहो जी मैं मुसलमान को बेच रहा हूं वो तो गिलास में शरबत भर के पिएगा पानी भर के पिएगा तो यार आप खुद बेवकूफ हो यार मुझे बेवकूफ बना रहे हो आप बेचो मेरा मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप शिपिंग प्लान बनाए मेरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली मेरे मेरा मकसद बताने का यह था कि लोगों अगर मेरे पास पैंतीस तीस पैंतीस हजार लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मुझे देख रहे हैं तो कम से कम उनको तो एक मैसेज दिया जाए कि जी क्या सही है क्या गलत है अकल यूज करें कि आप क्या कर रहे हैं आप शॉर्टकट से पैसा बना रहे हैं आपके पास अगर वसाइल नहीं है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग सीख सकते हैं आप प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं अभी भी आप प्राइवेट लेवल की भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं आप प्राइवेट लेवल की और भी सर्विसेज दे सकते हैं आप सीखें शॉर्टकट्स करने की क्या जरूरत है क्या इंडिया और पाकिस्तान इंडिया फिलीपींस की बात करते हैं क्या कोई फिलिपिनो जाके लोगों को कह रहा है अभी कि मैं ये सर्विस दूंगा मैं ये सर्विस दूंगा फिलिपिनो सारी लेजिटिमेट सर्विसेज दे रहे होंगे हर कि, किसी गोरे को अगर जो है वो ये वीएस चाहिए वो फिलीपीन जाता है पहले किसी गोरे को प्रोग्रामर चाहिए वो इंडिया जाता है क्योंकि लेजिटिमेट सर्विस दी जाती है ना स्कैमर होते होंगे वहां पर भी ऐसा नहीं है लेकिन कितना रेशियो है कितना पॉपुलर है कोई चीज किसी के लिए और और हम क्या कर रहे हैं हमारे यहां के सारे लोग जो है वो लगे हुए जी मुझसे ले लो क्योंकि आप दो नंबर की सर्विस बेच रहे हो प्रॉब्लम ये है आप अगर ये कहो कि जी मैं कोई प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा मैं आपके लिए ये करूंगा आप ये करो ना आपको पाकिस्तान को रेस करना है पाकिस्तान का लेवल रेस करना है तो आप ये सर्विसेज बेचो ना जाके आप स्पैमिंग करो तो इसकी करो फिर दो नंबर सर्विस मिल गई शॉर्टकट मिल गया चलो जी सब लग जाओ काम पे सारे के सारे जाके सारे ग्रुप्स भर दिए मैं सारे तो क्या अमेजोन को पता नहीं चला रहा के बड़े लोग वहां पर मौजूद नहीं है बड़े लोग से मुराद वो जो हायर डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन के ऊपर है वो लोग नहीं बैठे में क्या वहां पर उनको नहीं पता कहानी मंजन बना के बेचना तो बहुत आसान है ना किसी के लिए भी आपको मैं दो एक पिक्चर दिखाऊंगा उसके दोनों रूप दिखा सकता हूं मैं उसका पॉजिटिव भी दिखाऊंगा नेगेटिव भी दिखाऊंगा मसला यह कि आपको अपनी अकल यूज करनी है कि उसकी कौन सी पिक्चर देखनी है पॉजिटिव या नेगेटिव बात इस वक्त नेगेटिव की नहीं हो रही बात इस वक्त हो रही है फैक्ट्स की रियल फैक्ट्स की हकीकत की आप रिस्क कितना ले रहे हो अपने ऊपर ले रहे हो लोगों को ले लोगों के ऊपर ले रहे हो गोरे का हो या फिर वो पाकिस्तानी का हो इंसान है खुदा ने बनाया है आप उसका भी नुकसान नहीं कर सकते गोरा है तो कोई बात नहीं चलो जी लगवा दो उसके ऐसा नहीं होता तो फैक्ट सोचें ये शॉर्टकट्स बनाना बिजनेस करें जब आप कहते हैं कि जी अमेजोन क्या जबरदस्त बिजनेस है तो फिर उसको उसको बिजनेस की तरह करें बात ना एमेजोन के टर्म्स ऑफ सर्विस की हो रही है ना हलाल हराम की हो रही है बात हो रही है एथिकल बिजनेस की शॉर्टकट्स ढूंढना तो मैं आपको 500 शॉर्टकट्स निकाल के दे सकता हूं बिजनेस बनाने के पैसा कमाने के फकीर भी पैसा कमा लेता है भाई वो शायद इससे ज्यादा कमाता होगा तीन डॉलर से महीने के आप आप लोगों को सोच रहा है कि आप क्या कर रहे हैं ऑनेस्टली आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ हुआ था इसलिए मैं शायद हार्ड वर्ड यूज कर गया आई अपोलोजाइज किसी के ऊपर अटैक नहीं है अटैक सिर्फ इतना है कि मैं देखता हूं कि मैंने ये भी देखें एक दो मैंने अपने स्टूडेंट्स भी देखे मुझे गुस्सा थोड़ा सा इस बात पे आया अब वो जानते हैं अगर तो वो उनको समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं हाँ वो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहां के भी स्टूडेंट्स हैं और कहीं और के भी स्टूडेंट्स हैं तो क्योंकि इंफॉर्मेशन हर जगह से फ्लडेड है हर कोई अपने तरीके से अब तो इतने नए लोग आ गए हैं कि जिन्होंने आधा एमेजोन पढ़ा नहीं है आधा काम की कभी काम किया नहीं है वो भी अपना मंजन बेच रहे क्योंकि पैसा बनाना आसान हो गया है ट्रेनिंग के बिजनेस के अंदर तो वो और कोई आ जाता है मंजन बेचने के लिए और लोग चूंकि हमारे यहाँ के लोग हैं ही ऐसे बेवकूफाना मासूम आ, इनोसेंट किस्म के बन जाते हैं फॉरन तो वो फॉरन ट्रैप में आ जाते हैं किसी ने भी दिखाया वो डबल शाह बन के आ गए और चलो जी बसमिल्ला थोड़ा सा सोचे अकल के नाखून लें पे कहा करें अपनी एथिकल वैल्यूज को जाने अपनी मॉरल वैल्यूज को जाने बात यहाँ पे हलाल हराम की नहीं है बात टर्म्स ऑफ सर्विस की नहीं है बात किसी किसी और की नहीं है बात आपकी अपनी है कि आप क्या कर रहे हैं आपको बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस करें शॉर्टकट्स मत ढूंढें शॉर्टकट से बिजनेस कभी भी नहीं होगा आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो बेशक होंगे और उसको रिजोल्व करने के तरीके फिर रियल होंगे हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा इम्तिहान आते हैं जिंदगी में मैंने भी देखे मैं भी कितनी दफा जो है मेरे पास डाउनफॉल आया हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे लेकिन हम वापस उठे हैं की है मेहनत आप भी करेंगे और इनशाला के हल हो जाएंगे लेकिन शॉर्टकट से नहीं होगा मसला शॉर्टकट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि आप आप एक शॉर्टकट शॉर्टकट से अभी पैसा बनाएंगे दूसरा दूसरा वो जब खत्म हो जाएगा मामला तो ढूंढ आप लेंगे आपकी जिंदगी शॉर्टकट्स के ऊपर गुजरती रहेगी पूरी कब तक करेंगे इस तरह मैंने तो रियल लिविंग एग्जाम्पल्स देखी है शॉर्टकट्स वाले लोगों के लिए तो ये शॉर्टकट है इसको अवॉइड करें अपनी अपनी बेहतर सोचे थोड़ा सा ऐसी सर्विसेज दें जो लॉन्ग टर्म हो ये चक्करों में मत पड़े क्योंकि ये आप किसी का फायदा अगर उसका नुकसान हो गया अगर उसकी इन्वेंट्री फंस गई अगर उसकी इन्वेंट्री रिजेक्ट हो गई इस वजह से तो आप जो है वो जिंदगी भर अपने आप के लिए वो नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में शुक्रिया असलाकूम